हरिद्वार में गुरुद्वारा ज्ञान कोटड़ी मामले में उठ रही मांग को लेकर सिख समुदाय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक गुरुद्वारे को लेकर कोई भी सही कदम ना तो वर्तमान सरकार दे पा रही है और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। वहीं राज्यपाल के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा आश्रम प्रेम नगर स्थित आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के लिए आवंटित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकार के बीच का क्या मसला है, जिसको लेकर उनके आपसी निर्णय पर ही इसका फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही हरिद्वार के हर की पौड़ी पर गुरु नानक देव के निशान साहब को लेकर भी उन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और इसका जो भी निर्णय होगा वह सबको मानना होगा। हरिद्वार से हर्ष तिवारी की रिपोर्ट। मामला है, ये गुरुद्वारा बनना है ज्ञान गुरुद्वारे के नाम से, उसमें कहाँ पर जमीन दिया जाना है उसके संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझे भेजा है यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए, तो वही उसी सिलसिले में स्टेक होल्डर से जो हितधारक है उनसे वार्ता की जा रही है। तीन ऑप्शन दिए गए थे पूर्व, तीनों जमीन को हमने देखा है और उस पर माननीय राज्यपाल महोदय को अपना रिपोर्ट सौंपे। वहाँ जब 79 में घाट का सौंदर्यीकरण हुआ, बिल्डिंग हटाई गई और नया गुरुद्वारा में वो गुरुद्वारा स्थित था, उसके बाद से फिर हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम गुरुद्वारा की जगह दी जाएंगे, तो जगह अभी हम तक सरकार ने नहीं दी है।